तो फाइनली गाइस अनाउंसमेंट हो चुकी है और 9 सितंबर को थैंक गॉड का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया और उसके नीचे लिखा भी है कि हाँ ये मूवी इस साल दिवाली में आने वाली है। दिवाली पे एक और मूवी रिलीज होने वाली, इसका नाम है राम सेतु मिथ या सच्चाई। तो गाइस मैं उसका कंक्लूजन आप सभी को अभी बता देता हूँ, राम सेतु बिल्कुल सच्चाई है। तो गाइस ट्रेलर देखने के बाद लगा सब कुछ परफेक्ट है, बस एक चीज़ को छोड़कर, वो है रिलीजन एंगल। हाँ मतलब बॉलीवुड वालों को ट्रेंड बन चुका है कि अपनी हर मूवी में एक रिलीजन एंगल यूज़ करना ही है। अब इस मूवी में एक रिलीजन एंगल को यूज़ किया गया, चित्रगुप्त को इतना मॉडर्न दिखाया गया है और पीछे दो अर्धनग्न कन्याएं हैं, आखिर क्यों भैया? और ये अमदूत, अबे इसकी इमोशनल डैमेज। सच में कह रहा हूँ, अगर ये ट्रेलर यमराज जी ने देख लिया ना, अगर तो स्वयं नीचे आएंगे, चित्रगुप्त को भी साथ लाएंगे और तुम्हें उठा के ले जाएंगे और तुम्हें भी वो खोलती हुई कढ़ाई होती है ना उसमें तलेंगे। और एक मिनट, ऐसे काम करने वालों के लिए गरुड़ पुराण में एकदम अलग एकदम स्पेशल सजा है। तो ट्रेलर देखने के बाद आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि इस मूवी में जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रकुलप्रीत कौर और किकू सारदा। मतलब ये मूवी फ्रेंडली मूवी होने वाली है। वैसे भी बॉलीवुड में फ्रेंडली मूवी का अकाल पड़ता जा रहा है, ऐसी मूवी जो आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो। हाँ भाई, वीडियो तो देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, नहीं शकल से सारे के सारे शरीफ लग रहे हैं। हाँ वो देख, एक दिखा मेरे को हरामी से, भाई तू भी कर ले सब्सक्राइब, तेरे से बोल रहा हूँ कर ले भाई यार। तो गाइस इस ट्रेलर को देखने के बाद आपको कुछ वैसी वाइब नहीं आ रही कि ये मूवी शायद ओ माय गॉड का कोई सिक्वल हो या फिर गॉड टू सी ग्रेट का कोई सेकंड पार्ट? बट सीरियसली गाइस, इस मूवी का सब कुछ परफेक्ट है, बस मैं ये दुआ करता हूँ कि ये मूवी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, क्योंकि सच में एक जो हमारा हिंदुओं का जो कल्चर रहा है कि हमारे भगवानों को इस वस्त्र में हमने शुरू से देखा है, उनकी पूजा की है, पर मूवीज़ में उनको बिल्कुल एकदम मॉडर्न एकदम वेस्टर्न कल्चर वाला दिखाया जाता है, जो कि बहुत बुरी बात है यार। अगर वो चीज़ एकदम ओरिजिनल में ऐसी थी तो आप उसको वैसे ही डिस्प्ले करो ना, आपको क्या ज़रूरत है उनके ड्रेस को चेंज करने की, उनके बोलने के लहजे को चेंज करने की, तरीके को चेंज करने की? मुझे समझ आता है सिर्फ जरूरी चीज़ जरूरी। और गाइस दूसरी खबर निकल के ये आ रही है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार, उसने अनाउंसमेंट की है कि वो महाभारत एक इंटरनेशनल वेब सीरीज लॉन्च करने जा रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हो, महाभारत, हाँ बिल्कुल अपने वाला महाभारत, हमारा इतिहास वो लोगों के सामने दिखाएगा कि पूरी दुनिया में देखो ये महाभारत जैसी घटना हमारे इतिहास में हुई है और ये सारी घटनाएं इंडिया से कनेक्टेड है और हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाएगा एक इंटरनेशनल लेवल पे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वेब सीरीज़ को देखने के लिए, मैं पर्सनली जाके एक साल का सब्सक्रिप्शन लूँगा नेटफ्लिक्स से। पर वो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे लॉन्च हो रही है ना,